अलिफ लैला। हर शब नई कहानी दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। वाकई उस पहुंचे हुए आमिल फकीर की बात सच निकली और शौहर दूसरी बीवी ले आया, मगर अफसोस के दुरक्षा की खुदगर्जी ने उस छोटे से मासूम बच्चे की जान ले ली और यह गुनाह उसने अपने शौहर को झूठी खुशी देने के लिए किया। क्योंकि वो ये समझती थी कि उसकी जिंदगी में खुशियां तभी आ सकती हैं जब वो दूसरों की खुशियां छीन ले। ये ख्याल ही इंसान को जालिम और गुनहगार बना देता है मेरे हुजूर। मगर ये बताओ मल्लिका शहजाद कि उस पहली हसीन बीवी दुरक्षा का क्या हुआ जो उसे तौबा करने का ख्याल आया? जी जरूर आया। फिर ये हुआ हुजूर, आली दिमाग आलम पन्हा, कि उसने वो काम किया जो कोई औरत कोई बीवी नहीं करेगी। उसने सुहागरात के लिए अपने शौहर की ख्वाबगाह को अपने हाथों से खूबसूरत बनाया। उसने अपने सौतन के लिए फूलों की सेत सजाई, तकिए और चादरों में ऐसे इत्र लगाकर प्यार की खुशबू बसाई कि नींद की आगोश में बिस्तर की हर सिलवट में उनके बदन की खुशबू महकती रहे। गुलबदन जी, आज से गजाला का बिस्तर हम खुद लगाया करेंगे, तुम हाथ न लगाना। जी बहुत अच्छा। कासिद तू जाके कहते जरा बस में यार में, बिस्तर पे फूल सूख गए हैं इंतजार में। हुजूर बेगम का हुक्म सर आंखों पर, बंदा और बंदी दोनों हाजिर हैं आपके हुजूर में। माशाल्लाह चश्मे बद्दूर। शब खैर जाने दुरक्षा, शब खैर। ये इतना सारा दूध कहाँ ले जा रही हो तुम? हमाम में मेरे आका। बड़ी बेगम हुजूर छोटी बेगम हुजूर को दूध से नहलाएंगी। ओ। ये क्या है बेगम? आज से मैं वजीफा पढ़ूंगी, खैरात दूंगी और रात दिन ये दुआ करूंगी कि जल्दी इस घर में उजाला करने वाला इस खानदान का चिराग रोशन हो जाए। मेरा बेटा।
हाँ लीजिए। बड़ी अम्मी जान अब हम बाहर जा रहे हैं। बेटे जमाल खेलकूद बहुत हो गया, जरा पढ़ने लिखने पर भी ध्यान दो। जब देखो नफीरी लेकर जंगलों में घूमते रहते हो। आहो चश्मा, पढ़ना लिखना भी हो रहा है, होता रहेगा। अभी तो अपने नूर चश्मे को सैर करने के लिए जाने दो। हाँ हाँ जाओ जाओ जरूर जाओ मेरे राहत जान बेटे जमाल, जरूर जाओ। शुक्रिया बड़ी अम्मी जान। अच्छा माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है हमारा बेटा। नजर न लगाइए मेरे नूर नजर को। आइए। मेरे सरताज हम यहाँ आपके बिना कैसे रह सकेंगे? शादी के बाद से आज तक हम जुदा नहीं हुए। मैं भी यही सोच रहा हूं, 17 साल से अपने वतन से बाहर नहीं गया मैं और तुम, बेटा जमाल और बड़ी बेगम दुरक्षा, हम चारों साथ साथ रहे। और अब तुम्हारे साथ तो यहां बेटा जमाल है, बड़ी बेगम दुरक्षा है, उनके साथ तुम्हारा दिल बहल जाएगा। लेकिन मैं तो अकेला ही हर वक्त तुम तीनों के लिए तड़पता रहूंगा। हमारी याद आई तो इस रुमाल को प्यार कर लीजिएगा मेरे हुजूर। हम यहां आपकी मोहब्बत को महसूस करेंगे। आप जल्दी ही आ जाइएगा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों बार बार मेरा दिल यही कह रहा है कि आप न जाएं। आपके बिना मैं और जमाल कैसे रह सकेंगे? आप ही हमारी जिंदगी की हंसी खुशी सब कुछ है। रो नहीं, घबराओ नहीं आहू चश्मा, और सिर्फ 7 दिनों की ही तो बात है। अच्छा ये बताओ हम सफर से तुम्हारे लिए क्या लाएं? बस आप जल्दी आइएगा, यही मेरे लिए मेरा तोहफा होगा। जब तक मैं फिर एक बार आपको देख न लूं, मेरे इन आंसुओं में सिर्फ आपकी सूरत रहेगी। मेरी जाने मन, मेरी मोहब्बत, मेरी मसरत, मेरी दुनिया, अब जरा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो जरा, वरना ये आंसू भरी आंखें मुझे सफर में तड़पाती रहेंगी। हम तुम्हारे लिए क्या लाएं? तो फिर आप अपनी पसंद से कुछ भी लाइएगा, वही मेरी पसंद होगी। अच्छा तो फिर हम तुम्हारे लिए हार लाएंगे। संभालो आओ चश्मा, आओ। अब्बा जान, अब्बा जान।
नफरी लाइएगा मेरे लिए, मुझे नफरी बजाने का बहुत शौक है। अच्छा बेटे, जरूर लाऊंगा। और हाँ दुरक्षा बेगम, हम आपके लिए क्या लाएं? मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ तो दे रखा है आपने मुझे, मोहब्बत, इज्जत, दौलत, आहू चश्म जैसी प्यारी प्यारी सहेली और जमाल जैसा प्यारा बेटा, अब और क्या चाहिए मुझे? फिर भी कुछ तो मंगवाओ। अच्छा तो फिर मेरे लिए नहीं, घर के लिए एक अच्छी तेज छुरी लेते आइएगा, जो मैंने मन्नत मानी है उसके लिए, भेड़ों की कुर्बानी के लिए। अच्छा बेगम दुरक्षा, ये क्या तुम भी रोने लगी? तो इन दोनों के आंसू कौन पहुंचेगा? देखो ऐ मेरी पैकरे वफा बेगम, इन दोनों का ख्याल रखना, अल्लाह के बाद तुम्हारे भरोसे पर इन दोनों को यहां छोड़े जा रहा हूं। मेरे दीनों ईमान, मेरे शौहर, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाइए, मैं इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज अब्बा जान। मेरे बेटे जमाल, आओ चश्म, अब आंसू मत बहाओ, आओ हम सैर करने चलते हैं, इससे तुम्हारा दिल बहल जाएगा, आओ चलो, आओ आओ चलो चलो। बेटे ये पुराने जमाने का यादगार किला है, इसके खंडरात में बहुत सी कहानियां दफन हैं। इसे दिखाने के लिए लाई हूँ। बड़ी बेगम चलिए घर वापस चलते हैं, शाम होने वाली है, न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे मैं जो हूँ साथ में, फिर क्यों घबरा रही हो? आओ आओ चश्म, आओ बेटे जमाल, बस देखकर फौरन ही रात होने से पहले तो हम घर लौट जाएंगे। आओ। अरे आओ ना, आओ। हाँ ये आप हमें कहाँ ले आए? चल हट।
महल जादूगर तालीमोश, तेरे नाबीना नाकारा खुदा से कुछ भी ना हुआ, उस मासूम बच्चे की जान भी गई और मुझसे भी बच्चा पैदा ना हुआ। अरे बदकिस्मत औरत, मैं क्या करता, तेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत? किस्मत का नाम अपनी कमजोरियों और गुनाहों को छुपाने का बड़ा खूबसूरत बहाना है। उस साहिबे ईमान आमिले ख्वाजा मीर की बात सच है कि किन्हीं मासूम बच्चों या इंसानों की जबान या सर काटकर इन झूठे खुदाओं पर भेंट चढ़ाने से कुछ नहीं मिलता। जो खुदा अपने बंदों का पालनहार है, वो ऐसा खूनी जालिम दरिंदा नहीं हो सकता। अरे नादान, तू भूल गई कि खूनी जालिम दरिंदा नापायदार और फितनो फसाद की जड़ को ही शैतान कहते हैं। फिर ये शिकायत कैसी? तुम जैसे शैतान परस्त लोगों ने अपना डर, अपनी दहशत, अपनी शान लोगों के दिलों में कायम रखने के लिए, अय्याशी करने के लिए, खूब दौलत कमाने के लिए लोगों को धोखे में रख रखा है। अरे पशमान सिराजुद्दीन रईस शहर की बेगम दुरक्षा, लोग धोखा खाते क्यों हैं? जिंदगी के हर मोड़ पर शिकारी अपना जाल बिछाए बैठा है, बेवकूफ इंसान उसमें फंसता क्यों है? लालच। हाँ, लालच उसे फंसाता है और फिर बाद में सजा भी दिलवाता है, जैसे कि मैंने सजा काटी। अपनी सौतन के होते हुए इनको यहाँ तक लाने में मैंने 17 साल का सफर तय किया है। सुना तूने? इनको यहाँ तक लाने में मुझे 17 साल लग गए जादूगर। मेरा सब्र देख और मेरा इंतजार देख। मैं 17 साल तक अपने इंतकाम को इनके साथ खेल खेल कर बहलाती रही। परी बेगम, ये क्या कह रही हैं आप? यहाँ क्यों आई आप हमें? आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम हो जाएगा। मैं जल्दबाज औरत नहीं हूँ। आफरी है। आए शैतान की जानशी, इतना सब तो शैतान में भी नहीं। हम तुझे दुख्तरे शैतान, शैतान की बेटी का रुतबा अता करते हैं। क्योंकि तू जितनी जमीन के ऊपर है, उससे 4 गुना जमीन के अंदर है। बिल्कुल शैतान की तरह। बिल्कुल शैतान की तरह। बिल्कुल शैतान की तरह। बिल्कुल शैतान की तरह। इज्जत अफजाई का शुक्रिया है कद्रदान जादूगर। जब भी मेरा शौहर इसकी हिरनी जैसी आंखों की तारीफ करता था, मेरी आंखों की नींदें हराम हो जाती थी। वो इसके हुस्न का दीवाना था। मैं भी इसकी हुस्न की तारीफ सुनकर मारी जलन की दीवानी हो गई। और इंतजार में थी कि कब वो सफर पर जाए और तुम यहाँ आओ। हाँ। ए नामुराद औरत, अब तो तेरी मुराद पूरी होने का वक्त आ गया है। तू जल्द बता, मैं क्या शैतानी खिदमत अंजाम दूं? ऐ साहिरे आजम, शैतानी कुवतों के मालिक तालीमोश, सुन। Ha ha ha!
क्या हुआ? फिर ये है हुजूर कि रात ढल चुकी है, सुबह हो चुकी है, और सुबह होना ही रात की मौत है। नहीं मल्लिका शहरजाद, हम ये एक शहर, दो बीवी और बेटे का पूरा किस्सा जरूर सुनेंगे। ने तुम्हें एक दिन एक रात की जिंदगी और बख्श दी। अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।